हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, वैसे तो BTS मेंबर की काफी सारी फनी मूवमेंट वायरल होती रहती हैं, लेकिन फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि एक बार एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये देखा गया था कि वी और जिमिन काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन वही हमारे BTS के सबसे छोटे और ब्रेव बॉय जंगकुक एकदम हीरो की तरह और बिना फियर यानी कि बिना डर के ही पूरे डांस को पूरा करके 2 सेकंड में ही वहां से निकल गए थे। तो फ्रेंड्स, मैं किस वीडियो की बात कर रही हूं और उस पूरे वीडियो क्लिप में क्या हुआ था, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा BTS के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि 2022 की स्टार्टिंग में BTS मेंबर का ग्रीटिंग स्टार्ट हुआ था, जिसकी बहुत ही ज्यादा शानदार और अच्छी अच्छी फोटोज भी रिलीज हुई थी, DVD भी रिलीज हुई थी। और अगर आप में से किसी ने भी उसे बाय किया होगा तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे पैकेज थे। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इसके बिहाइंड द सीन रिलीज हुई थी तो वहाँ के छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप को आर्मीज ने काफी ज्यादा वायरल भी किया था। फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ ये था कि जिस लोकेशन पर BTS शूट कर रहे थे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा ग्लास टॉप था। फ्रेंड्स, ग्लास टॉप का मतलब एक ऐसा बड़ा ग्लास जिसकी ऊंचाई काफी ज्यादा हो, यानी कि जिसकी हाइट बहुत ही ज्यादा हो और उसके नीचे जमीन नहीं हो, यानी कि उसके बहुत ज्यादा नीचे जाकर फ्लोर आती है। और फ्रेंड्स, जो पूरा ग्लास था वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट था, यानी कि ग्लास पूरी तरह से नजर आ रहा था। और इसी डेंजर ग्लास से रिलेटेड BTS मेंबर को टास्क दिए गए थे, जिसने BTS मेंबर की हालत पूरी तरह खराब कर दी थी। यहाँ तक कि कुछ BTS मेंबर उस टास्क को करना ही नहीं चाह रहे थे और अगर सोच समझ के थोड़ा मोड़ा किया भी तो उसमें भी उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा था। और BTS के एक मेंबर ऐसे भी थे जिन्होंने इस टास्क को किया ही नहीं, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी लग रहा था। और BTS के सारे मेंबर को उसे क्रॉस करके यानी कि उस पर चल करके जाना था। तो फ्रेंड्स, क्लिप में ये देखा गया था कि जैसे ही वहाँ पर जंगकुक आए वो बिना ही डरे उस ग्लास टॉप को क्रॉस करके चले गए थे। और जंगकुक ऐसे उस ग्लास टॉप को क्रॉस करते हैं जैसे कि वो रोड पर चल रहे हों। लेकिन फ्रेंड्स, वही जब वी और जिमिन की बारी आती है तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि जैसे ही जिमिन उस ग्लास टॉप पर पैर रखते हैं वो डर की वजह से काफी ज्यादा कांपने लगते हैं। यही नहीं, उनके बगल में खड़े तेयुंग भी उस ग्लास टॉप पर चलने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। और जैसे कि ये देखा जा सकता है कि उन दोनों को ही बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। फ्रेंड्स, यही नहीं, इनफैक्ट जिमिन साइड से आते हैं और उस ग्लास टॉप पर धीरे धीरे पैर आगे बढ़ाते हैं और पैर रखते ही जिमिन बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं, जिसको देखने के बाद बाकी सभी BTS मेंबर हंसने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, वायरल क्लिप में ये भी देखा जा सकता है कि किस तरह जिमिन चीजों का सहारा लेकर अपने दोनों पैरों को ग्लास फ्लोर पर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने इस कोशिश में नाकाम हो गए थे और उनके सारे स्ट्रगल बेकार चले जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता था। लेकिन फ्रेंड्स, इससे भी ज्यादा फनी बात तो ये थी कि जब क्लिप में वी और जिमिन को इतना डरा हुआ दिखाया गया था तो वहीं उनके पीछे जंगकुक भी थे, जो बहुत ही आराम से उस ग्लास टॉप फ्लोर पर यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, वो भी बिना किसी के सहारा लिए और बिना डरे। फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ जंगकुक नहीं, इनफैक्ट RM को बिना डर के ही घूमते हुए देखा गया और वो भी जंगकुक की तरह ही आराम से ग्लास फ्लोर टॉप पर चल रहे थे। लेकिन वी ने पूरी तरह से उस ग्लास टॉप फ्लोर पर चलने से मना कर दिया था और कहा था कि मुझे ट्राई ही नहीं करना और सिर्फ साइड से ही निकल गए थे। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बाद ये देखा गया था कि जिमिन ने तो फिर भी 2-3 बार कोशिश करी थी। तो फ्रेंड्स, क्या वी और जिमिन को इस तरह ग्लास टॉप से डरते हुए देखकर आपको भी फनी लगा या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।